तो लोगों को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उन्हें कोरोना की मार पड़ी है तो दूसरी ओर महंगाई की मार से भी वो परेशान है और इस विकट परिस्थिति में लोगों को मजदूरी का भी काम नहीं मिल रहा है। रोजमर्रा कमाने वाले जो लोग हैं इन मजदूरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। रांची स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित हो रहा है, लिहाजा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। यही वजह है कि हर दिन बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे जिलों से यहाँ काम की तलाश में पहुँचते हैं, इस उम्मीद में कि काम मिलेगा तो मजदूरी कर परिवार की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से मायूस होकर मजदूर बैरंग खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। मजदूरों की माने तो सप्ताह में महज एक से दो दिन ही इन्हें काम मिल रहा है। हम लोहरदगा जिला से कैरो प्रखंड से पचगाए गांव से ट्रेन में गाड़ी भाड़ा लगा करके हम रांची काम करने के लिए आते हैं और काम करने आते हैं, उसमें से एक दिन सप्ताह में एक दिन करते हैं, बाकी दिन लौट के घर चले जाते हैं। इससे घर का परिवार को दिक्कत हो पाता है और उस पर खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इससे हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। प्लस में जो भी सरकारी तहत से राशन वगैरह मिलता है उसमें भी कटौती होता है, कुछ किलो राशन वाले लोग काट लेते हैं, कुछ मिल पाता है उससे हमारा परिवार को ढंग से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, गरीबी को और दिक्कत में ही दिक्कत होते जा रहा है। लगभग 600 के लगभग काम करने आते हैं, सब रेजर लेबर मिला के कुली मिला के, जिसमें हाईएस्टली आपका कहने से 40 से 50 को काम मिलता है, बाकी सब ऑफिस चल जाता है। परेशानी तो बहुत है भैया, प्लस स्कूल उस्कूल में बच्चा लोग को जैसे मतलब पढ़ा रहे हैं तो पूरा साल भर का फीस जोड़ दिया, 10 दिन सरकारी नौकरी जैसा था, उन लोग को जाने से भी सरकारी नौकरी में भी जाना पड़ता है, लेकिन उन लोग तो साल भर का फीस ले लिया, दोनों बच्चा लोग का सबका 8-9 हज़ार फीस ले लिया। महंगाई के इस दौर में रॉ मटेरियल के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहीं बालू का उत्खनन बंद होने से कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, जिसकी वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। सब चीज हो गया, तेल पहले खाते थे हम लोग 80 रुपये 70 रुपये 80 रुपये केजी खाते थे, अब 180 रुपये केजी हो गया, वो भी हो गया। पहले आते थे 10 रुपया भाड़ा लगा के टेम्पू में, अब सीधे 25 रुपया आने का, 25 रुपया जाने का, 50 रुपया काम भी नहीं मिलता है। अब मिलता है तो हफ्ता में 2 दिन होता है, उसी में हफ्ता में भाड़ा ही आधा से ज्यादा तो भाड़ा ही चल जाता है पैसे। कोरोना काल में महंगाई आसमान छू रही है और इन सब के बीच गरीब तबके को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और न ही सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ इन्हें मिल पा रहा है। इस विकट परिस्थिति में मजदूर अपने परिवार का पेट कैसे पालें, इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट।